नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्थिक समिति और उसके आयोग के बारे में। कौन सी आर्थिक समिति किस आयोग के तहत किस क्षेत्र में काम करती है, तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सरकारी उद्योग का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सरकारी उद्योग का संबंध आपका केंद्र राज्य वित्तीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिम्हम समिति का संबंध किस क्षेत्र से, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता का संबंध किस क्षेत्र से, तो यह पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा चलैया समिति किससे संबंधित, तो यह कर सुधार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, तो यह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा समिति किससे संबंधित है, तो यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, हथकरघा विकास के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान नोबिल समिति किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है, लघु उद्योगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है, बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश मोहन समिति किससे संबंधित है, आधारित वित्तीय संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो यह कृषकों की समस्या से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासेलकर समिति किससे संबंधित है, यह यूरो सेकंड मानकों से की प्राप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम समिति किससे संबंधित है, तो यह आयकर की नई संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो यह द्वितीय जनसंख्या समिति से संबंधित है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।